नमस्कार दोस्तों, सहज गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालॉजी का एक ट्रिक लेके आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और हमें बहुत ही परेशान करते हैं। आइए आज सॉल्व करते हैं इसको। दिया गया है 4-2 से 1-4 कैसे बनता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 5-6, इसके बाद क्या होता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर दिया गया है 4-2, आइए इसको गुना करके देखते हैं। 4 × 2 8 हो गया, फिर इसको प्लस करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं ये सही टिक फॉलो कर रहा है। ठीक इसी तरह 5-6 को हम लोग गुना करते हैं, फिर इसको प्लस करते हैं, इसके बाद प्लस करने के बाद इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 41 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है 4-8, इसके बाद 6-3, 8-0, देखते हैं ये क्या कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्क्वायर ट्रिक फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देते हैं 7 स्क्वायर, फिर इसको -1 घटा लेते हैं, उसी तरह ठीक इसको 8 स्क्वायर 1 घटा लेते हैं, उसी तरह 9 स्क्वायर इससे 1 घटा लेते हैं। तो ये ट्रिक क्या फॉलो कर रहा है, 7, 8, 9। ठीक इसी तरह हम लोग 10 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 10 का स्क्वायर निकालते हैं 100 होता है, उसमें से 1 घटा लेते हैं, 99 आंसर होता है, ये सही आंसर 99 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3-4-3 इसको क्या कर रहा है कि 10 निकल रहा है, आइए इसको 7, 8, 9 इसको भी क्या करने से हमें आंसर आ जाना चाहिए। ठीक उसी तरह हम लोग 3-4-3 इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के बाद इसका आंसर 10 आता है। ठीक उसी तरह हम लोग 7, 8, 9 को जोड़ के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। पहले 7 और 8 को प्लस किया तो 15 आया, फिर उसके बाद 9 प्लस किया तो 24 आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। 2+2 यहाँ पर 4 हो रहा है, 2 × 2 4 हो रहा है, तो क्या किया है कि 10 से ये 22 बना दिया, क्या ऐसा ट्रिक लगाया कि ये 22 हो गया। पहले लिखते हैं 10, उसके बाद × 2, उसके बाद +2, 22 हो गया। इसी तरह हम लोग 32 को निकालना है, तो यहाँ पर दिया गया है 20, पहले इसी से देखते हैं 20 को, उसके बाद गुना 2, तो यहाँ पर +2, तो यहाँ पर निकल जा रहा है 42, ये तो गलत है, इसको सही आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। 15 को लेते हैं, 15 × 2 तो 15 × 2 = 30 और 2 कितना हो गया, 32, सही आंसर इसका 32 है, इसका आंसर 15 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 को, इसको क्या किया है, 8 से 24 बना दिया और 6 से क्या बनने वाला है उसको देखते हैं। 8 में कितना गुना कर दिया तो 24 हो गया, 3 गुना कर रहा है। ठीक इसी तरह हम लोग 6 में 3 गुना करते हैं, 6 में 3 गुना करेंगे तो 18 होता है, इसका आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 में क्या करता है कि इसमें आके 24 निकल गया, 24 आंसर निकालने के लिए इसको हम लोग गुना करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 11
गुना 22 उसमें प्लस कर दिए 2 तो हो गया 24। ठीक उसी तरह हम लोग लेते हैं 18 को, 18 गुना 2 कितना हो गया 36 हो गया, तो ये प्लस 2 कर दिए तो इसमें निकल गया 38। सही आंसर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में क्या ऐसा कर दिया कि 155 निकल गया। ठीक इसी तरह हम लोग 74 को करते हैं, पहले हम लोग 62 को निकालते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो 62 को यहाँ पर 62 को दो बार प्लस कर दिया, 62 प्लस 62 तो यहाँ पर हो जाएगा 124। उसके बाद इसे हम लोग आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 31 आ जाएगा, फिर इस इन सब को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा 155। ठीक इसी तरह नेक्स्ट को भी हम लोग सेम फॉलो करेंगे, 74 को प्लस कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 148। ठीक इसमें इसका आधा कर देंगे, आधा कर दिए तो इसमें आ जाएगा 37, 37 को जोड़ लेंगे तो इसमें आ जाएगा 8581। इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये रिजॉइनिंग का मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 को ऐसा क्या कर दिया कि 50 हो गया, 12 को ऐसा क्या ट्रिक लगाया कि 50 हो गया। चलिए आइए आज हम उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो इसका 60 आंसर निकल जाएगा, इसमें से घटा देते हैं 10 इसका सही आंसर हो जाएगा 50। ठीक है ठीक इसी तरह 18 को इसको भी गुना कर देते हैं 5 से तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90। 90 से हम लोग घटा देते हैं 10 तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 80। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निकल रहा है 49, इसमें डिस्टेंस है इसका 7, प्लस 7 कर रहा है। ठीक उसी तरह 81 को हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है 88। आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, इसको होम टेस्ट दे देते हैं आपको, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक इसका आंसर क्या होगा। और आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस तरह आप लोग सहज गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।